नहीं छोड़ा है जो हिमाचल के खाते में जमा नहीं हुआ है। मित्रों, आजादी का घुंघर बजाना हो या देश के दुश्मन के छक्के छुड़ाने हो, हिमाचल के युवा कभी वापिस देख मुड़ कर नहीं देखे। मित्रों, ये वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। हिमाचल के सुवर्ण जयंती का वर्ष है और इस वर्ष के अंदर ही यहां पर चुनाव आ रहा है। आप लोगों को इस चुनाव में ये तय करना है कि किस व्यक्ति को, किस पार्टी को, किस विचारधारा को आप हमने धर्मशाला को देने में कुछ बाकी नहीं रखा। पूरे हिमाचल में एक ही क्षेत्र है जहां से दो दो सांसद है, किशन कपूर जी भी है और इंदु बहन भी मंच पर बैठी है, इंदु गोस्वामी भी यहां से राज्यसभा की सांसद। एक ही क्षेत्र को दो दो सांसद देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और यहां पर धर्मशाला का विकास करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब कांग्रेस के राहुल बाबा तो धर्मशाला आने वाले है नहीं, वो पदयात्रा पर यात्रा कर रहे हैं, मगर उनकी पार्टी के लोग जरूर आएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, उनसे हिसाब मांगिएगा। मित्रों, लोकतंत्र के अंदर वोट उसी को देना चाहिए जो जनता के काम के हिसाब में करे। मैं आज आपके सामने 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार और जयराम ठाकुर सरकार ने जो काम किए हैं उसका हिसाब देने के लिए आए हैं। माननीय मोदी जी, हम गुजरात में कहते हैं, मोदी जी गुजरात में तो जन्मे हैं, मगर मोदी जी हिमाचल के ही बासिंदे हैं, हिमाचल के ही। मोदी जी की कर्म भूमि रही और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में सबसे ज्यादा विकास की लहर अगर कोई प्रदेश में आती है तो मेरे हिमाचल प्रदेश में। राहुल बाबा, 7 साल तक आपने इस देश पर राज किया, जवाहरलाल नेहरू से सोनिया गांधी तक 4 पीढ़ी तक शासन किया। हिमाचल की जनता आपका हिसाब किताब पूछना चाहती है। हम तो अपना हिसाब 8 साल का लेकर आए भाई, आयुष्मान भारत के तहत और हिम केयर में कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और जयराम सरकार। किसी ने भी, किसी कांग्रेस ने हिमाचल वासियों के दुख दर्द और जब रोग आ जाए तब उनके इलाज की चिंता नहीं की। 7 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस हिमाचल की माताओं बहनों को शौचालय तक नहीं दे पाई। आज मैं आपके सामने गर्व के साथ कहता हूं, मोदी जी ने हिमाचल के हर घर में शौचालय देकर माताओं का सम्मान करने का काम किया है। मित्रों, सम्मान आज सौभाग्य योजना के तहत हिमाचल के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है। हर घर में ठंडी के मौसम में किसी को भी ठंड का एहसास न हो, इस प्रकार से हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और 7 लाख परिवारों को 2 साल से, 2.25 साल से प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5
किलो मुफ्त अनाज देने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों, इसने कोरोना काल में देश के 80 करोड़ गरीबों के घर के चूल्हे जलाने का काम किया है। 10 लाख किसानों को हर महीने हर साल 6,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में जमा करने की व्यवस्था की है और 8,67,000 परिवारों को अपने घर के अंदर नल से जल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माताओं बहनों, आप इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात पर सबसे ज्यादा ताली बजाना, मोदी जी ने हिमाचल में 1,40,000 माताओं को गैस का कनेक्शन देने का काम हिमाचल प्रदेश के अंदर किया। 28,000 नए घर बनाए हैं, 20,000 किलोमीटर रोड बनाया है और 4,507 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कई सारे ऐसे काम हमने किए हैं, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी काम के आधार पर वोट नहीं मांगती। कांग्रेस पार्टी को जरा ध्यान से देखिए, पूरी देश की कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर मां बेटा के अलावे कोई नहीं है। कोई भाई सिर्फ मां बेटे हैं और हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी में मां बेटा के अलावे कोई नहीं है। मुझे बताओ धर्मशाला वालों, ये राजा रानियों का जमाना है या लोकतंत्र आ गया है? लोकतंत्र आ गया है ना भाई? तो अब राजा रानियों का जमाना गया, राहुल बाबा शासन वो ही करेंगे जो लोगों के काम। अरे डबल इंजन सरकार ने ढेर सारे काम किए और आप लोगों ने 10 साल तक केंद्र में सरकार ऐसी चलाई जिसके घोटाले गिनना मुश्किल, 12,00,000 करोड़ रुपए के गंभीर घोटाले कांग्रेस सरकार ने किए, चाहे केंद्र हो या हिमाचल प्रदेश हो, उनके समय में घोटाले गिनना दिक्कत थी, हमारे समय में घोटाले ढूंढना दिक्कत है। आप एक भी घोटाला ढूंढ नहीं सकते। माताओं भाई और बहनों, ये वंशवादी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस दोनों के बीच में आपको तय करना है। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे काम यहां पर किए हैं। जल जीवन मिशन के तहत कांगड़ा जिले में 2,00,000 घरों में पानी पहुंचाया, अपने धर्मशाला को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया। वित्तीय वर्ष 2021 में 48 नई सड़कें बनाई। धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 567 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है और जयराम ठाकुर जी ने भी 207 करोड़ रुपया का स्काईवे बनाकर धर्मशाला के टूरिज्म को ऊपर पहुंचाने का काम किया। मोदी जी ने बिलासपुर का एम्स बनाया, 1,500 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत ट्रेन देश में सिर्फ 4 चल रही है, उसमें से 1 ट्रेन हिमाचल प्रदेश को देने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। रेणुका जी बांध योजना के तहत 40 मेगा वाट की क्षमता वाले बिजली संयंत्र लगाने का काम किया। सोलन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का काम किया। ऊना में बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाने का काम किया।
अटल टनल समाप्त कर दी, चंबा नाहन हमीरपुर उसका मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करने का काम किया, परवाणु शिमला और तीरथपुर मनाली का फोर लेन का काम भी हमने शुरू कर दिया। मित्रों आप मुझे बताओ, एक कश्मीर के अंदर से धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए? जरा जोर से बोलो, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल से कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू जी जो धारा 370 और 35 है हमें दे कर रहे थे, उसको गोदी में बच्चे की तरह सहला दी, क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राह दी। आपने, हिमाचल वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया, और इसके साथ ही आज हमारा कश्मीर भारत माता के मुकुट मणि की तरह समग्र विश्व के अंदर चमकता है। ये कांग्रेसी लोग, सपा बसपा कम्युनिस्ट कांग्रेस सभी लोग पार्लियामेंट में कहते थे धारा 370 पे हाथ लगाया तो खून की नदियां बह जाए। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ जलाने की हिम्मत नहीं हुई भाई, किसी की कंकड़ जलाने। आज हमारा प्यारा कश्मीर समग्र देश के साथ जुड़ रहा है। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन की सरकार चली, ये सरकार के समय में आलिया हमालिया जमालिया पाकिस्तान से घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। सरदार मनमोहन सिंह उप नहीं करते, उनके मुंह से एक शब्द नहीं। 2014 में मोदी जी आए, पाकिस्तान ने गलती कर दी, उरी और पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान भूल गया कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का बदला लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, इसके साथ ही पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ने संदेश भेज दिया कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। अगर किसके साथ छेड़खानी करते हैं तो कीमत चुकानी पड़ती है भाई, कीमत चुकानी पड़ती है। मोदी जी ने समग्र भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना? जोर से बोले, बनना चाहिए या नहीं बनना? बाबर ने तोड़ा था, तब से लाखों लोगों ने जान दे दी। 7 साल तक कांग्रेस शासन में रही, मंदिर नहीं बना पाई। आप लोगों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने 2019 में मंदिर की नींव डालने का काम कर दिया। और हिमाचल वालों, 2024 का टिकट निकाल कर रखना अयोध्या का। 2024 में गगनचुंबी रामलला का मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर हम सब लोग। मोदी जी ने केदार राम बद्री राम उज्जैन विंध्यवासिनी सोमनाथ ये सभी तीर्थ स्थानों का उद्धार करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी वो
हमारे आस्था केंद्रों का महिमा वर्णन करते हुए डर दीजिए। नरेंद्र भाई ने कोई डर के बगैर इस सभी आस्था केंद्र को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। तो मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा देश सुरक्षित समृद्धि की ओर जा रहा। अर्थतंत्र हमारा विश्व का पांचवें नंबर का अर्थतंत्र बन चुका है। भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का केंद्र बन रहा है। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में एक मजबूत लोकतांत्रिक दल बनकर अपनी स्वीकृति प्राप्त कर चुकी है। माताओं, भाइयों, बहनों, उसी वक्त ये हिमाचल प्रदेश में चुनाव होता है। हिमाचल में कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। अरे भाई, ये कहां का नियम लाए? जो काम करेगा वो राज करेगा। और मैं आज कहकर जाता हूं धर्मशाला वालों को, एक बार भाजपा बार बार भाजपा। जरा मेरे साथ बोले, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। रिवाज को बदलना है। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने रिवाज को बदल दिया है। कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार आती है तो कभी नहीं जाती। पर हिमाचल को भी आगे इसी तरह से जाना है। तो हिमाचल में सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, मगर हमें धर्मशाला से कमल का फूल चाहिए। भाई, कमल का फूल चाहिए। बताओ, हमारे प्रत्याशी को विधायक बनाकर भेजोगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, भेजोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? जयराम ठाकुर के हाथ मजबूत करोगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे? तो दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुख्य दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद धन्यवाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। हा, रिवाज बदल रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के मजबूत नेतृत्व में रिवाज बदल रहा है। आपने धारा 370 को खत्म करके राम मंदिर को बना करके और तीन तलाक को खत्म करके रिवाज बदल। हाँ, आपने यूपी में दोबारा भाजपा को ला करके, उत्तराखंड में दोबारा भाजपा को ला करके, हरियाणा में दोबारा भाजपा को ला करके रिवाज बदला है। आगे हिमाचल में भी आपके आशीर्वाद से दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी और यहाँ भी रिवाज बदलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।